क्या मैंने दो गाजर लिए बड़ी बड़ी, ये देखिए इस तरीके की लिए बड़ी बड़ी, यानी दो गाजर मिला के ये होगी करीबन आधी किलो गाजर होगी। और इसी के साथ ही लिए यहाँ पे मैंने छोटे छोटे मीडियम साइज के आलू, ये देखिए इस तरीके के। तो आलू को भी हम अलग कर लेते हैं, ये देखिए आलू को भी अलग कर लिया। और यहाँ लिए मैंने मटर, मटर सर्दियों में खूब सारी आती है। और ये देखिए अभी ये देखिए मटर आज जाने वाली है, और ये देखिए कुछ इस तरीके की हो गई है, यानी ये पकने जा रही है, यानी जाते जाते मटर की सब्जी तो खाना बनता है। ये देखिए क्योंकि जब मटर जाने वाली होती है ना, तो ये इस तरीके से पक जाती है, ये देखिए इस तरीके से इसकी स्कीम है जो फटी फटी सी हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, मटर को जाते जाते आज हम बनाने वाले हैं मटर गाजर आलू की सब्जी। तो हम क्या करेंगे, अब मटर को हम छील लेते हैं, छील के हम पूरी मटर को रख लेंगे। तो हम मटर को छील लेते हैं, तो इस तरीके से हम सारी मटर है जो छील लेंगे, आलू को भी छील लेंगे और गाजर को भी छील लेते हैं। देखिए हमने गाजर और आलू को दोनों को ले लिया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आलू को हम छील लेते हैं। तो इस तरीके से आलू को छील लेते हैं हम। देखिए हमने चार आलू को छील लिया, अब छील के हमें क्या करना है, इस तरीके से आलू को काटना है, छोटा छोटा काटेंगे हम इनको। तो इसी तरीके से हम गाजर को भी छील लेंगे और काट लेंगे। को भी काट लिया, इधर मैंने आलू को भी काट लिया, इधर मैंने मटर को भी छील लिया। अब हमें क्या करना है, गाजर के अंदर हमें कुछ नया करने के लिए क्या करेंगे, इसमें डालेंगे नमक। नमक हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि गाजर मीठी भी होती है ना, तो आपकी गाजर आलू मटर की सब्जी मीठी नहीं बनेगी। जो नमक होता है इनका मीठापन खत्म कर देता है। अगर आपके गर्मी के मौसम में आलू भी मीठे होते हैं, यानी वाई चांस, तो आप इस तरीके से गाजर में कराए ना, वैसे ही इसमें आलू के साथ भी कर सकते हो। अगर मीठे आलू हो तो नमक है ना, जो नमक डाल दोगे आलू में, तो मीठापन आलू का भी खत्म कर देगा। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो वहां मैंने गाजर को 5 मिनट के लिए छोड़ दिया, और जब तक तो मैं गैस की तरफ आ गई हूँ, गैस पर मैंने चढ़ा दी एक कढ़ाई, कढ़ाई में डालेंगे तेल। तो तेल को भी अच्छे से गरम कर लेंगे। यहाँ देखिए मैंने इधर मटर को भी रख दिया बॉईल होने के लिए। अब इसमें भी हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। तो नमक डाल के हम मटर को बॉईल होने देते हैं। इधर हमारा तेल भी हमने गरम होने के लिए रख दिया है। तो अब इसमें भी हम डालते हैं जीरा। तेल को अच्छे से गरम कर लिया है, थोड़े से डालेंगे सरसों के दाने। और सरसों के दाने को जीरे को अच्छे से भूनने देते हैं, यानी से अब डालेंगे इसमें हींग। तो बस यहाँ पे अच्छे से राई को हमें तड़काना है, जीरे को भी अच्छे से भूनना है। देखिए राई हमारी चटर पटर कर रही है, यानी अच्छे से सिक चुकी है राई जीरा। अब डाल देंगे यहाँ पे हम लाल वाली हरी मिर्ची है, ये इनको डाल दिया हमने। तो इसी के साथ ही हम डाल देते हैं आलू। तो यहाँ देखिए हमने आलू डाल दिया है। अब आलू को हम तेल के अंदर इनको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, हल्का सा, ज़्यादा नहीं करना हमें। जब तक आलू फ्राई हो रहे हैं, जब तक हम गाजर को निकाल लेते हैं इधर नमक के पानी में से, अच्छे से एक बार नमक के अंदर पानी के, अब इसको रगड़ रगड़ के इस तरीके से कर लेंगे, यानी अंदर तक इनमें मसल मसल के नमक चला जाए, यानी गाजर में। तो यहाँ देखिए हमने नमक के पानी से इनको निकाल लिया, अब हमने क्या करा है, प्लेट में रख लिया। अब इनको भी डालते हैं हम कढ़ाई के अंदर सीधा। तो यहाँ देखिए हमने गाजर डाल दिए इसमें, अब वो गाजर और आलू को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इधर हम मटर को भी चेक कर लेंगे। यहाँ देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है गाजर और आलू को, अब इसमें डालते हैं हम नमक।
नमक हम इसलिए पहले डाल रहे हैं क्योंकि नमक है जो हर सब्जी को, कोई भी सब्जी हो, वो पहले से तल आता है। अब यहाँ पे हम डालेंगे काली मिर्ची पाउडर, इससे बहुत टेस्ट आता है अच्छा काली मिर्ची पाउडर से गाजर आलू में। और अच्छे से मिला लेते हैं काली मिर्ची पाउडर और नमक को। तो यहाँ देखिए हमने काली मिर्ची पाउडर को और नमक को भी अच्छे से मिला लिया है गाजर आलू के साथ में। अब हम डालते हैं यहाँ पे मटर और बाकी के मसाले भी डाल देते हैं हम बचे हुए। तो जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, धनिया चम्मच, धनिया पाउडर हम डालेंगे 2 चम्मच भर के इसको नाप के। और इसी के साथ ही हम 1 चम्मच डालेंगे यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर। यहाँ पे मैंने देखिए कोई मसाले अलग से नहीं लिए, जो मसाले घर पे रहते हैं वही, उसी से मैंने टेस्टी की टेस्टी सब्जी बना रही हूँ गाजर आलू की। तो यह देखिए मैंने मसालों को, सभी मसाले मैंने डाल दिए। अब हम क्या करेंगे, अच्छे से मिला लेते हैं मसालों को। और बगैर लहसुन के, बगैर प्याज की सब्जी बनाइए, फिर भी ये टेस्टी बनेगी। जो गाजर आलू नहीं पसंद करता है ना, वो भी खाएगा उंगलियाँ चाट चाट के। उंगलियाँ चाटेगा तो चाटेगा, खाली प्लेट भी चाटेगा। तो यहाँ पे हम मसालों को अच्छे से मिला लेते हैं, फिर इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के रख देंगे ताकि हमारी सब्जी ये जो जले नहीं और आलू भी अच्छे से गल जाए आलू गाजर। तो बस यहाँ पे हमने पानी डाल दिया, अब इसको ढककर रख देंगे और धनिया को काट लेंगे जब तक। पांच मिनट हो गए हैं, ढक्कन को हटा लेते हैं एक बार। थोड़ा सा ढक्कन हमारा गर्म हो गया, मेरा हाथ जल गया। तो अच्छे से मिला लेते हैं एक बार, ढक्कन हमने हटा लिया है। और प्लीज़ प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें करें। ना देखिए हम पैक कर लेते हैं गाजर और आलू को। ये देखिए गल चुके हैं, अच्छे से गल चुके हैं, तो यानी हमारी सब्जी जो बन गई है। आप चाहो तो इसमें टमाटर भी डाल सकते हो, मैं यहाँ पे टमाटर नहीं डाल रही। और अब यहाँ पे खूब सारा जाएगा हरा धनिया, क्योंकि जो भी सब्जी है ना ये हरे हरे धनिए से ही अच्छी लगती है गाजर आलू की सब्जी। अब हम हरा धनिया को भी अच्छे से मिला लेते हैं। तो लीजिए, तो यहाँ देखिए हमने हरे धनिया को अच्छे से मिला लिया है हरे धनिया डालने के बाद में। तो लीजिए हमारे गाजर आलू मटर की सब्जी है जो बनके तैयार हो गई है सिंपल सी। अगर आपको गाजर आलू मटर की सब्जी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि और आपके लिए क्या बनाना है।